आर्सेनिक एवं होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को जीवन भर याद रहेगा कि यह दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का उपयोग करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल मेडिसिन जीके में। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा WhatsApp नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज करें। खास लक्षण, जलन, बेचैनी, रोगी छटपट करता है, इधर उधर करवट बदलता है, शरीर में दाह मारता है, बहुत जोर से प्यास लगता है, किंतु पानी रोगी बहुत कम कम पीता है, थोड़ा थोड़ा रोगी पानी पीता है लेकिन प्यास बहुत जोर से लगता है, जलन ठंडी से बढ़ जाती है और गर्म से घट जाता है। कोई भी बीमारी गर्म चीज़ से घट जाता है और ठंडी से बढ़ जाता है। तो दोस्तों कोई भी बीमारी में इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप आर्सेनिक 30 दवा का उपयोग करें। आर्सेनिक 30 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। कोई भी बीमारी किसी एक समय होता है, एक निश्चित समय पर होता है, 12 AM और 12 PM के बाद रोग बढ़ जाता है, 12 AM और 12 PM के बाद रोग बढ़ जाता है, एक निश्चित समय 12 AM और 12 PM के बाद अगर रोग बढ़ जाता है तो दोस्तों आप आर्सेनिक 30 दवा का उपयोग करें। आर्सेनिक 30 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों याद रखें, आर्सेनिक दवा रोग की बढ़ी हुई अवस्था में काम करता है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है उस समय आर्सेनिक दवा बहुत ही बढ़िया काम करता है। रोगी अपने शरीर पर से वस्त्र उतारना नहीं चाहता है, कपड़ा उतारना नहीं चाहता है, जलन रहता है, जरा सा भी रोगी के शरीर पर से कपड़ा सरक जाता है, रोगी उसी समय कपड़ा को खींचकर ओढ़ लेता है, शरीर पर से वस्त्र उतारना नहीं चाहता। तो दोस्तों आप आर्सेनिक 30 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए दें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कभी भी आर्सेनिक एवं 30 दवा का उपयोग करें तो यह सभी लक्षण को ध्यान में जरूर रखें, यह सभी लक्षण को याद करके ही आर्सेनिक एवं 30 दवा का उपयोग करें। अगली वीडियो है उसमें आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का उपयोग करना चाहिए, वो अगली वीडियो में आप लोग को फुल जानकारी देंगे। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आप लोग को हमेशा मिलता रहे।